शारजा में मुनक़द हुई ख़वातीन की एक शानदार तकरीब। वाओ की रुए रवां फरजाना मंसूर ने पाकिस्तान की 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर खूबसूरत केक कटिंग का एहतमाम किया, जबकि सादिया तारिक ने इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से तलक रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तखार और डायरेक्टर फराज सदीकी ने वाओ मेंबरान के साथ मिलकर केक कटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर ख़वातीन ने मिली नगमे गाए और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक हमारा दोस्ती पाइंदाबाद के नारे लगाए। वाओ है वेमेन ऑफ विजडम, जो हमने एक प्लेटफॉर्म मैं और सरवर सहा फैदी और सादिया तारिक है हमारे साथ, हमने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जितनी भी खवातीन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया किया जाए जहाँ से उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक उनको अवेयरनेस दी जाए, जिसमें हाइजीन है और उसके अलावा ग्रूमिंग है, मेडिकल से रिलेटेड। और हमारा एक खास एजेंडा होता है कि हम इंटरनेशनल वीमेंस डे और पाकिस्तान के जितने भी दिन होते हैं उन्हें हम तमाम ख्वातीन को बुला के हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा वाओ का बनाने का मकसद ये था कि हम ख्वातीन को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और उन्हें हम कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो अपने लिए कुछ बेहतर सोच सकें। हवाले से उन सबको खुश आमदीद कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। और ख़वातीन के लिए ये नहीं है कि वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप उनके शाना बशाना चलें, बल्कि जो सबसे अहम बात है कि हर फील्ड में, हर शोबे में, परदेश में भी ख़वातीन बहुत आगे हैं। यहाँ पर आप चाहे वो मेडिकल की फील्ड ले लें, एजुकेशन की फील्ड ले लें, या आप इसके अलावा स्पोर्ट्स की भी बात हुई, स्पोर्ट्स की फील्ड ले लें, हर फील्ड में ख़वातीन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अमाराती हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें हर तरह का फ्रीडम दिया हुआ है कि हम अपने यहाँ पे हर तरह के सेलिब्रेशन करते हैं। वतन से दूर रह के भी हम वतन की मोहब्बत से सरशार सब ख़वातीन और हज़रात मिल के अपने पाकिस्तान के तमाम इवेंट्स बहुत खुश दिली से और बहुत जिसे कहते हैं जोश और खरोश से मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़ों की जो कुर्बानियां हैं आज के दिन 14 अगस्त के दिन उनको याद करने का दिन है। उन्होंने किस तरह से आग और दरिया का समंदर पार करके हमारे लिए आज़ादी हासिल की थी। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आज हम वाओ फोरम से इकट्ठी हैं। वाओ फोरम जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको ऑर्गेनाइज। 14 अगस्त की बहुत बहुत मैं UAE की जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मैं सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तानी ख़वातीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और ये वुमेन ऑफ विजडम का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बड़ा नाम ही बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। तो इंशाल्लाह ये आज ये इवेंट है और उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रख सकते हैं। मैं UAE में 18 साल से रहती हूँ और इस गाँव के प्लेटफॉर्म पर आज हम सब जमा हैं पाकिस्तान का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं बहुत उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत अंत तक मेहनत और जद्दोजहद से काम किया।